पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, गुनाह की दुनिया का वो काला नाम जिसकी आवाज पहले कभी नहीं सुनी गई। नहीं नहीं साथ में तो नहीं, उसको नहीं नहीं उसको बोला हार्ट से कम नहीं देना। ये डॉन की आवाज है जो फोन पर डी कंपनी की डील कर रहा है। डॉन डी कंपनी का रेट फिक्स कर रहा है। भाई वो 7 मिलियन की ऑफर दे रहा है अपने को। नहीं नहीं साथ में तो नहीं, उसको नहीं नहीं उसको बोला हार्ट से कम नहीं देना। नहीं ना, आठ से बिल्कुल कम नहीं। हाँ आठ से कम नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसने तो मेरे को 9 बोला था, लेकिन मैं बोला 8 में अपने पास मालूम चले तो 8 से कम तो देंगे नहीं अपन। उसको बोल दे कि या तो तुम सोच के 2-3 दिन में जवाब दो। गौर से सुन लीजिए, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। डॉन दाऊद अपने गुर्गों से धंधे की बात कर रहा है, लेकिन डॉन की इस आवाज के साथ ही गूंज उठे हैं कई और भी सवाल। सर वो क्या अपने मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिएगा, मिनिस्टर साहब के मुंह लगेगा। अच्छा मुंह लगने जैसा नहीं है। मुंह लगने जैसा नहीं है, वैसे मैं तेरी बात करा देता हूँ आपको। हाँ करा दीजिएगा, देख लेता हूँ पंगा लेने में अर्ज क्या है। ठीक है रात को बात। ओके ओके ओके। कौन है वो मंत्री जिसे डॉन इतनी अच्छी तरह से जानता है? कौन है वो मंत्री जिसे बात कराने का दावा कर रहा है डॉन? आखिर कौन है अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम का मंत्री? दाऊद से फोन पर बात कर रहा दूसरा शख्स जावेद चुटानी उर्फ डॉक्टर है, जो दुबई में रहकर दाऊद के धंधों को चलाता है। जावेद चुटानी ने दाऊद को उसके धंधे का हिसाब दिया। आप भी सुनिए जावेद चुटानी और दाऊद के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम सेठ, क्या हाल है सर? सर वो 2 कार्टन ले लिया हूँ और जाऊंगा तो उधर होंगे तो 1-2 और ले लूंगा। ठीक है मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। आखिर वो कौन से कार्टन थे जिनके सही जगह पर पहुंचने पर दाऊद इतना खुश हो रहा है? जावेद चुटानी ने दुबई से जो कार्टन उठाए उसमें क्या था? जावेद चुटानी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जिसके लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद चुटानी को थैंक यू बोल रहा है, मेहरबानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है? ठीक है मेहरबानी यार, बहुत थैंक यू। पक्की बात है? 100%। ओके सर, सो नाइस ऑफ यू। वो डॉन मेहरबानी जता रहा है जो भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए मोस्ट वांटेड है, जो पाकिस्तान में बैठकर दूसरे मुल्कों में अपना गैर कानूनी धंधा चला रहा है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में कुख्यात माफिया सरगना डॉन दाऊद इब्राहिम की आवाज पहली बार रिकॉर्ड की गई। ऐसी आवाज जिसे अब तक ना तो कोई पहचानता था और ना ही पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसके रिकॉर्डिंग में ये आवाज सामने आई है, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दायर की है। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि इस आवाज को उसने गवाहों से परखवा लिया है और कोर्ट में वो साबित भी कर देगी कि ये आवाज दाऊद की है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अदालत में ये दावे साबित हो पाएंगे और क्या इस आधार पर पुलिस की जाँच आगे बढ़ पाएगी?